क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितने साल पुराना है? और जैसा कि इस यूनिवर्स का नियम है कि जो क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय होके रहेगा, तो क्या हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? और अगर ये सच है तो आखिर कितने साल बाद ये डिस्ट्रॉय होगा? इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन सवालों ने साइंटिस्ट को काफ़ी परेशान किया है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट अभी तक एग्जैक्ट आंसर इनका नहीं दे पाया है। तो इसलिए हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, यानी कि हम देखेंगे कि आखिर हमारे ग्रंथ यूनिवर्स के टाइम को लेकर क्या कहते हैं। हमारे ग्रंथों के हिसाब से इस यूनिवर्स को त्रिमूर्ति चलाती है। त्रिमूर्ति में आते हैं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव। भगवान ब्रह्मा का काम है यूनिवर्स को क्रिएट करना, भगवान विष्णु का काम है मल्टीवर्स को मेंटेन करना, और भगवान शिव का काम है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेवल यानी नाभि से हुई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मदेव का काम होता है यूनिवर्स को क्रिएट करना, तो जब ब्रह्मदेव की मृत्यु होती है तो उन्हीं के साथ ये यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि इस यूनिवर्स की एज ब्रह्मदेव की एज के बराबर है, जो कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट के मुताबिक है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के बाद ब्रह्मदेव की मृत्यु हो जाती है और फिर भगवान विष्णु के नाभि से नए ब्रह्मा का जन्म होता है, जो कि नया यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। पर जरा एक मिनट रुकिए, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हमारे 100 वर्षों के बराबर नहीं होते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। ब्रह्मदेव के एक साल में 360 दिन होते हैं, और जैसे हमारे दिन और रात होते हैं वैसे ही ब्रह्मदेव के भी दिन और रात होते हैं। बस फर्क इतना है कि उनके दिन में लाइफ क्रिएट होती है और उनके रात में लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। ध्यान रहे कि यहाँ पर यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, लाइफ फॉर्म्स की बात हो रही है। यानी कि हम सभी अगर अभी जीवित हैं तो इसका मतलब ब्रह्मदेव का दिन चल रहा है, और जैसे ही उनकी रात होगी तो हमारी लाइफ फॉर्म उनके अंदर वापस समा जाएगी। अब समझते हैं कि ब्रह्मदेव का एक दिन आखिर कितना लंबा होता है। वेल, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग टाइम की मेजरमेंट्स को युगों में डिवाइड किया गया है। एक युग मिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है, और 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। उन 4 युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिनको 4:3:2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा युग सतयुग होता है और सबसे छोटा युग कलयुग होता है। सतयुग 1.72 मिलियन ईयर्स का होता है, त्रेता युग 1.29 मिलियन ईयर्स का होता है, द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स का होता है, और कलयुग जो कि सबसे छोटा युग है वो 4,32,000 ईयर्स का होता है। अब क्योंकि ये चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक महायुग 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है। युग और महायुग के बाद जो अगली मेजर यूनिट ऑफ टाइम है वो है मनवंतर। अब एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है, यानी कि करीब करीब 306.72 मिलियन ईयर्स। अब मनवंतर के बाद जो टाइम की अगली मेजर यूनिट आती है वो है कल्प। कल्प यानी यूनिवर्स का एक दिन। अब जैसे हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स या कहें ब्रह्मदेव के एक दिन में 28 मनवंतर और 30 सतयुग या कहें संधि काल होते हैं। यानी कि ब्रह्मांड या कहें ब्रह्मा जी का एक दिन 8.64 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है, जिसमें दिन और रात का ड्यूरेशन 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। यानी कि पहले 4.32 बिलियन ईयर्स में लाइफ क्रिएट होती है और अगले 4.32 बिलियन ईयर्स में लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। हमारे एंशियंट टेक्स्ट के मुताबिक अभी ब्रह्मा जी का 51वें साल का पहला दिन चल रहा है। अब जैसे हमारे महीने साल होते हैं, वैसे ही एंशियंट टेक्स्ट में ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी के भी महीनों को एक्सप्लेन किया गया है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड का एक महीना 30 कल्पों के बराबर होता है, और ब्रह्मदेव का एक साल 360 कल्पों के बराबर होता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि यूनिवर्स की एज 100 ईयर्स की होती है, क्योंकि ब्रह्मदेव की एज भी 100 ईयर्स की होती है, तो इस 100 ईयर्स के टाइम स्पैन को एक महाकल्प कहते हैं। यानी ब्रह्मदेव और इस यूनिवर्स का लाइफ स्पैन एक महाकल्प का होता है।
जिसे कि अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो वो अराउंड 311.04 ट्रिलियन ईयर्स होगा, यानी कि एंटायर यूनिवर्स की लाइफ स्पैन 311.04 ट्रिलियन ईयर्स है। और जैसा कि हमने जाना कि अभी हम ब्रह्मदेव के 51वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की करंट एज है वो है 157.49 ट्रिलियन ईयर्स, जबकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स की करंट एज है वो है 13.799 बिलियन ईयर्स। अब इन दोनों एस्टिमेशंस में जमीन आसमान का फर्क है, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिवर्स की एज क्लोज टू एक्यूरेट है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।